अल्ट्रा एज में बॉल आती है, नहीं बॉल बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है बॉल, और फिर भी देखते हैं कि कोई इनसाइड एज, कोई हल्का फुल्का एज कोई हो ही जाए, कोई विकेट मिल ही जाए, अल्ट्रा एज का पता चलता है कोई। ए ए ए ए ए ए ओ नहीं, नॉट आउट है जी। डकी भाई यार, आपको कहा भी था कि आप जो है वो मत जाए, बारिश होनी है, फोरकास्ट जो है वो बिल्कुल बता रहा है, तो देखा काम खराब हो गया ना, बारिश ही बारिश जो है ना वो हो रही है, फिर 4 घंटे इंतजार भी किया उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, चिल कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक आप लोगों को मलिक अहमद व्लॉग्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लास्ट जो वीडियो अपलोड की हुई है उसमें जो है वो डकी भाई के सब्सक्राइबर जो है, और वैसे जो है वो अपने व्यूवर से जो है वो कहा हुआ है कि यार मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यार वीडियोज आप लोग देखते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करते नहीं है, तो यार सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा ना, जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इतनी मज़े मज़े की वीडियोज यार आपको बना के दे रहा, तो सब्सक्राइब तो करें ना, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वेलकम बैक हो गया, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच भी है, तो एक्साइटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आज। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना वो टीवी पे मैच भी जो है ना विजुअल भी कैप्चर नहीं कर सकते, जो है ना वो कॉपीराइट क्लेम जो है ना वो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से आ रहा था। लास्ट टाइम भी वीडियो अपलोड की तो उसमें भी कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो जो है वो मैच जो है वो शुरू हो गया है, इंडिया की जो है वो बैटिंग है और पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग है, तो अभी देखते हैं फिर शहनशाह कितने आउट करता है। 2 ओवरों में 11 रन्स हो गए हैं और 1 छक्का और 1 चौका रोहित शर्मा ने मारा है, और शाहीन ने यार बाउंड्री के पास जो है ना वो कैच पकड़ा जा सकता था शुभमन गिल का। बहरहाल अभी तो मैच शुरू हुआ है, रिव्यू हुआ है, रोहित शर्मा जो है वो आगे बढ़ के खेला है और नसीम शाह की गेंद है, और अभी जो है वो देखते हैं क्या बनता है। अल्ट्रा एज में बॉल आती है, नहीं बॉल बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है बॉल, और फिर भी देखते हैं कि कोई इनसाइड एज, कोई हल्का फुल्का एज कोई हो ही जाए, कोई विकेट मिल ही जाए, अल्ट्रा एज का पता चलता है कोई। ए ए ए ए ए ए ओ नहीं, नॉट आउट है जी, रिव्यू हमारा ज़ाया हो गया है भाई। रोटी शोटी खा लेते हैं फिर, भूख शूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो बिरयानी जो है जल्दी जल्दी से खा रहे हैं क्योंकि आउट नहीं हो रहा इंडिया का। मेन स्टॉप्स जो है प्ले है इस टाइम, तो बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतना तूफान आ गया है ना कि 1 सेकंड के अंदर जो है ना पूरा ग्राउंड जो है ना इस टाइम जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं ग्राउंड जो है वो खुश्क होता है कि नहीं होता। इस टाइम तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो फिर तब तक जो है फिर शावर वगैरह ले लेते हैं भाई, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, फिर हम भी इनिंग्स ब्रेक कर लेते हैं। मैच लेटर। डकी भाई यार, आपको कहा भी था कि आप जो है वो मत जाए, बारिश होनी है, फोरकास्ट जो है वो बिल्कुल बता रहा है, तो देखा काम खराब हो गया ना, बारिश ही बारिश जो है ना वो हो रही है, फिर 4 घंटे इंतजार भी किया उसके बाद भी जो है वो बारिश हुई, तो क्या फ़ायदा, आप भी वहाँ पे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, ग्राउंड में आया भी कोई नहीं है। ठीक है, और हम लोगों ने भी 4 घंटे इंतजार किया, 4 घंटे के बाद जो है थर्ड इंस्पेक्शन हुई, अंपायर ने कहा कि 9 बजे जो है वो पॉसिबिलिटी है कि मैच स्टार्ट हो जाए, और इतनी तेज़ जो है वो इतना हैवी स्टॉर्म आ गया कि जो बारिश होगी। तो अब जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का आज से रिजल्ट तो नहीं आया यार, तो कल का फोरकास्ट भी यही बता रहा है कि कल जो है वो दोबारा से जो है वो बारिश है, तो देखते हैं कल मैच होता है कि नहीं। तो फिर व्लॉग को यार यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।